भारतीय पहलवान पिछले एक महीने से कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। पहलवानों की मांगों पर केंद्र सरकार के रवैये के खिलाफ पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस ने कोलकाता में लंबा मार्च निकाला। इस लॉन्ग मार्च में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने हिस्सा लिया। खुद टीएमसी अध्यक्ष और राज्यसभा की सीएम ममता बनर्जी भी शामिल हुई। सीएम ममता बनर्जी अपने हाथ में होर्डिंग लेकर कई मीटर तक पैदल चली। उनके होर्डिंग पर वी वांट जस्टिस लिखा था। बीते रविवार पहलवानों को हिरासत में लिए जाने पर ममता बनर्जी ने एक वीडियो जारी किया था। इसमें उन्होंने कहा था कि हमारे पहलवानों को पीटा गया और प्रताड़ित किया गया। मैंने पहलवानों से बात की और उन्हें अपना समर्थन दिया। हम एकजुटता से पहलवानों की सभी जायज मांगों के साथ खड़े हैं। हमारे पहलवानों के साथ इतनी मारपीट हुई है कि देश का सम्मान लुट गया है। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पूजा पाठ तभी होती है जब मानवता की पूजा हो। हम रेस्टलर्स के लिए हम जो आज रैली किया है कल भी हमारा चलेगा। जो हमारा इंडिया का प्लेयर है, जो ओलंपिक में खेला है, जो कॉमनवेल्थ में खेला है, जो एशियन गेम्स में खेला है, सबको लेकर आज जो रैली हुआ है ऑल एसोसिएशन ऑल फेडरेशन। कल भी मैं विनती करना चाहूंगी कि कल फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है आजादी का लड़ाई में जिन्होंने खाली पाँव में फुटबॉल खेला था उनका मूर्ति का सामने मोमबत्ती जलाएंगे और जस्टिस मांगेंगे। इसका बाद आज प्रोग्राम करते ही जाऊंगे। हम कल कुश्तीबीद के साथ बात किया है। मैं साखी जी जो बिरजू जी जो थे एमओ का साथ मैं खुद बात किया। मैं ये कहा कि आप लोग लड़ाई करो, हम आपका साथ में है। इसी के लिए आज का रैली हुआ, कल भी प्रोग्राम होगा और जरूरत होगा तो हमारा टीम जाएगा। हम पहले भी भेजा था, हमारा टीम जाएगा और उसका मंच में मिलके उसको अपना सपोर्ट देंगे।